guys, welcome back to my channel. I hope you're doing extremely well. दोपहर के बज गए हैं 3, बस अभी जो सेटिंग अप सब्जेक्ट है उसका मेरा 3 ही चैप्टर्स बाकी है। उस ये 3 चैप्टर 2-3 दिन में हो जाएगा, फिर ये सब्जेक्ट भी ख़त्म। तो आज फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे। मैं कल यश के साथ गया था उसके ब्रेसेस के ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो टाइम पे मैंने शूट किया था, तो पहले आप वो देख के आओ, तब तक मैं पढ़ लेता हूँ, फिर वापस यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। बहुत लेट हो गया है, यश के साथ उसके अपर ब्रेसेस डलवाने जाना है बोरी वाली। मैं एक्चुअली जिम में गया था, तो जिम से डायरेक्ट घर पे आया। मैं सोचा नहा के आराम से जाता हूँ, खाना गया था तो, और यश नीचे 20 मिनट से वेट कर रहा है। वो जिम में नहीं आया था क्योंकि वो लेट उठा था, इसलिए बाल सुखाने जाऊँगा तो और लेट हो जाएगा। छोड़ो, वैसे भी एक्टिवा पे जाना है, सूखी रहेंगे ऑटोमेटिक। चलो चलो, उसकी अपॉइंटमेंट 12:30 की थी और 12:30 यहाँ पे ही बज गए। उसके 2 कॉल आ चुके हैं और अब तक मैं सीढ़ी उतर रहा हूँ। चलो, वो रहा खड़ा है। चल डिकी कॉल, डिकी कॉल। बहुत मशक्कत के बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली। अभी कितना टाइम लगेगा तेरे को? कितना टाइम लगेगा? 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी और अभी बज गए हैं 1। आज अपर ब्रेसेस नहीं डाले, आज क्या किया? सिर्फ लोअर ब्रेसेस का जो वायर रहता है, तो वायर निकाल के वो सिर्फ टाइट कर दिया है। मुझे लगा आज इसको अभी अपर ब्रेसेस में देखने को मिलेगा, और मजा आया। अभी अपर ब्रेसेस का भी 3-4 months के बाद। चलो अभी जाते घर पे, भूख लगी है बहुत जोर से। अभी घर पे एकदम अंदर अंदर से जाएंगे क्योंकि SV रोड पे बहुत ट्रैफिक है। यहाँ पे भी ट्रैफिक है, देखो बहुत ट्रैफिक है। शाम के बज गए हैं 5 और मेरा पढ़ के हो गया, मतलब 1 चैप्टर कंप्लीट किया 2 घंटे में। बस अभी 2 ही चैप्टर बाकी है और एज पर माई स्केड्यूल कल 1 दिन ये पूरा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज 3 दिन के लिए। एक्चुअली मैं 3 दिन में 1 सब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो जितना मैक्सिमम हो पाता है उतना करूँगा। और आज शाम को आ रहे पीना के निकल और सोना नल्टी डिनर के लिए। नमी और जेविन आ गए हैं आज घर पे वापस, बिकॉज आज है संडे। वैसे तो जेविन आ ही जाता है सैटरडे को, पर कल नहीं आया था तो आज आ गया। अभी कल सुबह जब मैं जिम जाऊंगा तब ये दोनों को घर पे ड्रॉप करते हुए जाऊंगा। और अभी थोड़े टाइम के बाद जाना है भाविक के साथ उसके चश्मे बनवाने के लिए। भाविक का काम हो गया, अभी 2-3 दिन के बाद उसके स्पेक्स रेडी हो जाएंगे और अभी थोड़ा राउंड मार के जाते हैं घर पे। घर पे ही जा रहे थे लेकिन भाविक को कुछ याद आ गया, तो सुपरमार्केट में रुक गए कुछ सामान लेने के लिए, क्या पता क्या लेना है अभी उसको, तो वो गया है अंदर लेने के लिए। अभी देखते हैं क्या लेके आते हैं। तो आ गया भाविक, सुन ले वो शक्कर। घर पे आ गया और ये देखो मुझे दे फोन। देखो इतना नजदीक से देखते हैं, हर टाइम मना करता हूँ फिर भी नजदीक से देखते हैं। आया है और ये हालत देखो क्या की है पूरे रूम की। ये देखो सब इसने किया है। अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रुक नम्या, आप बधु कोई कही रुक।
बाय। देखा एक नंबर का झूठा है ये। एक घंटे से फोन देख रहे जेविन बसा हमें। एक घंटे से फोन देख रहे हैं मतलब अच्छी बात नहीं है, लिमिट में होना चाहिए। इतना नजदीक बैठा है देखो। बज गए हैं 12 और अभी भी पिनाकिन अंकल और सोनल आंटी मतलब बातें कर रहे हैं, मतलब वो लोग अभी निकल ही रहे, तो सोचा कि वो लोग जब तक खड़े तब तक मैं ये वीडियो एंड कर देता हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सभी बेड बराबर से करना और फिर डायरेक्ट सोने ही जाना। तो चलो गाइस ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने ब्लॉग यहाँ से देख लिया तो लाइक के बिना मत जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।